शाम को तकरीबन 7:15 बजे घटना की जानकारी मोतीनगर थाने में मिली थी, जिसमें बताया गया था कि कुछ लोगों ने आके और एक घर में लूट की है। लोकल पुलिस ने जब यहाँ पर मौके पे पहुंच के देखा, और अभी तक जितनी भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से जो एक परिवार यहाँ पे रहता है उसमें एक बिल्डिंग में कई फ्लोर्स हैं। फर्स्ट फ्लोर का जो एक्सेस है वहां पर ये घटना हुई है। उस समय पे घर के परिवार के 2 सदस्य मौजूद थे और एक नौकर था, और घर का दरवाजा खुला हुआ था। तो जो अंदर घर के सदस्य मौजूद थे उनको ये कि असेलेंट इस तरह से घुसे हैं वो तभी पता चला जब वो अंदर घुस गए थे, और उसके बाद उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी इसमें क्या क्या सामान गया है और कितनी क्षति अभी कंप्लेनेंट को हुई है वो एक बार उसका मुआयना करके और फिर रेलिवेंट प्रोविजंस में केस दर्ज करके हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। अभी वो फैक्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं। एक माइनर इंजरी इनमें से एक जो फैमिली मेंबर है उनको है, हुज गोइंग थ्रू द मेडिकल एग्जामिनेशन। तो एक बार मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, उनसे पूछताछ करके ओपन। जो ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 4 से 6 लोग थे। एक बार ढंग से हम लोग सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख लेंगे या इनसे बैठ के तसल्ली से बात कर लेंगे तो वो एस्टैब्लिश हो जाएगा। अभी तक जितना फैक्ट्स नॉलेज में आए हैं वो जो मेन एंट्री गेट है वो खुला हुआ था, तो किसी भी तरह की कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। हालांकि अंदर जाके जो उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। आज शाम को 7 बजे घर के अंदर 4-5 लोग नकाब पहन के घर के अंदर घुसे हैं। उन्होंने मेरी बहू और उसके 2 साल के बच्चे को मारा भी है और लॉकर वॉकर तोड़ गए, कैश और गोल्ड सारा ले गए। अंदाजा तो अभी तो देखना पड़ेगा क्या है, गोल्ड का तो हिसाब लगाना पड़ेगा। 10-11 लाख के करीब तो कैश पड़ा था, वो ले गया। चोट आई है उसको, बहू को आई है उसको, एक फायर भी किया उन्होंने, और फायर का जो है उसका यहाँ पे निशान, उसके बुलेट मिला एक, और छोटे बच्चे को भी मारा उन्होंने, उसके माथे पे और उसके उंगली पे मारपीट की है, उसको गोली मारी है साइड पे, उसको बुलेट मिली है घर के अंदर, उसको ब्लड आ रहा है साइड से जहाँ पॉकेट होती है हमारी। 4 या 5 लोग बता रहे हैं जी। मेरी ड्राई फ्रूट की शॉप है, तो मैं तो इस टाइम सीजन चल रहा था, मैं दुकान पर था। मेरी वाइफ आई है, वो भी मेरे साथ ही बैठती है, उन्होंने बताया कि घर से चलो चलो, ऐसे से घर पे चोर घुसा है, इस तरह से हुआ है, घर आके फिर ये सारी बात पता चली। ढका हुआ था वो, वीडियो है, वीडियो में उनका ढका हुआ चेहरा आ रहा है। मारपीट उसके साथ भी की है, बच्चा बहुत रोया है, उसके माथे पे कुछ निशान आया और कुछ और भी छोटी मोटी उसको चोट आई है। उसने कहा कि बच्चे को मत मारो, तो फिर शायद वो उन्होंने उसको फिर मारा है, फिर उन्होंने उसको बाथरूम में बंद भी किया उसको।